रोहतास में दावत थाना क्षेत्र में नकटोली गांव के पास दो भाइयों को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों घायल हो गए। इसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरा मामूली रूप से घायल हुआ। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया। हम लोग आ रहे थे तो बाइक वाला टक्कर मार के चला गया। कहाँ पे? कौन सा मोड़ है? नकटोली मोड़ के जस्ट पहले। कैसे थे आप लोग? हम लोग ऐसे एक मैंने उतार के गाड़ी वाला चला गया, उधर से उधर उसको जाना था। हम लोग पैदल आ रहे थे। दोनों क्या थे? हम और जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम उनका? ओमकांत सिंह। उम्र कितना? उम्र लगभग 35 वर्ष। क्या करते थे? उनका सब्जी का अथी था, सब्जी बेचते थे। क्या चीज़ से टक्कर लगा? बाइक से। कहाँ की घटना है? नकटोली के पास। कौन था ना? दावत थाना। क्या नाम पड़ेगा आपको? दरअसल ओमकांत मेहता और मंतोष मेहता शादी समारोह में शरीक होकर पैदल घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान दोनों भाइयों को तेज रफ्तार बाइक ने जबरदस्त टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दोनों भाई घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दावत में इलाज के लिए लाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए घायल को रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन घायल को इलाज के लिए वाराणसी ले गए, जहां इलाज के दौरान ओमकांत मेहता की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। आउट है लोग, पैदल है सर, पैदल लोग आउट है। अब मोटरसाइकिल वाला के धक्के मार गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? हैं? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अपन बेचारे गाड़ी रुकवा के कुछ टंग टुंग ले लो बोली बैग में, फिर जैसे बाहर ले जाए। इलाज के दौरान मौत हुआ है। क्या नाम है मृतक का? विनोद। क्या नाम है मृतक का? ओमकांत। कहाँ के रहने वाले हैं? समझ। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अज्ञात वाहन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं मृतक की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजकर तफ्तीश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।